हेलो दोस्तों, अगर आप मेरा इसके पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि 14 फरवरी को मैंने एक वॉच का रिव्यू करा था जो आता है क्रॉस बीट्स की तरफ से, क्रॉस बीट्स इग्नाइट सीरीज 3। मैं आपको बता दूं, मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ऑलमोस्ट एक दिन के बाद, 14 तारीख को तो बिल्कुल मस्त चला, अच्छे खासे से चला, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन 15 तारीख को मैंने क्या फेस करा, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आप सारी डिटेल्स जान पाएंगे। मैं हूँ प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसे वियर करा हुआ है, क्रॉस बीट्स इग्नाइट सीरीज 3 जो ये वॉच है। जब भी हम कोई भी स्मार्ट वियरेबल्स लेते हैं, वॉच हो, बर्ड्स हो या कोई भी चीज़ हो, तो हम लोग उसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉन्टिन्यूसली कनेक्ट रहे जब तक उसे मैं डिलिबरेटली डिसकनेक्ट ना करूं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जब मैंने 14 फरवरी को इस वॉच का रिव्यू करा था, उस दिन तो ये बहुत ही सही चला था, मैंने 2-3 घंटे यूज़ करा था, उसके बाद रिव्यू करा था तो काफ़ी सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन नेक्स्ट डे जस्ट 15 फरवरी को क्या हुआ कि वॉच जो है फ्रिक्वेंटली डिसकनेक्ट हो जा रहा था मेरे मोबाइल डिवाइस से, और मुझे कस्टमली मतलब वॉच के अंदर जाके मुझे कनेक्ट करना पड़ता था। मतलब ये कैसा वॉच है भाई, 4000 रुपीज़ भी ले रहे हो और मुझे कस्टम ही कनेक्ट करना पड़ रहा है। कॉल आ रहा है तो वाइब्रेट भी नहीं हो रहा है, जब कनेक्ट ही नहीं रहेगा तो वाइब्रेट कैसे करेगा। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसके लिए रिप्लेसमेंट किया जाए, तो मैंने रिप्लेसमेंट जो है फाइल करवा दिया 15 फरवरी को, और आज 17 फरवरी को मुझे इसका रिप्लेसमेंट मिला। और मैं आपको बता दूं, फिर भी वो प्रॉब्लम आ रहा है। अब जो इसका ऐप है सीबी एक्टिव, मुझे लगता है वहाँ से कुछ मेजर इशू है, उन्हें अपडेट करना चाहिए और ठीक करना चाहिए। वॉच तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बिल्ड भी ठीक ठाक है, स्ट्रैप की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, लेकिन मुझे ये जो प्रॉब्लम आ रहा है फ्रिक्वेंटली ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। और मुझे एक चीज़ और प्रॉब्लम आया, जो मुझे रिप्लेसमेंट मिला है उसमें ये क्या प्रॉब्लम आया है कि मैं जब बैटरी चार्ज कर रहा हूँ, मतलब इस वॉच को चार्ज कर रहा हूँ, तो पिछला वॉच क्या था वो ऑलमोस्ट 1 घंटे में चार्ज हो गया था फुल, ये क्या हुआ 1.5 घंटे लिया और 50% भी चार्ज नहीं हुआ है, तो चार्जिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये वॉच जो है वो मुझे उतना जो इफ़ेक्टिव नहीं लगा, मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। डिस्प्ले ठीक ठाक है, आईपीएस पैनल है तो डिस्प्ले की क्वालिटी वैसे ही मिलेगी जैसे एक आईपीएस का होता है। कॉलिंग फीचर भी सही है, जी हाँ, अगर कनेक्ट रहता है तो सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं इसमें आप, और लाउडनेस ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक है, आप सॉन्ग को सुन पाते हैं। और स्पीकर भी ठीक ठाक क्वालिटी का है, बहुत आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, माइक्रोफोन की क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो जो ओवरऑल प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी इसे रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दिया है, तो 19 तारीख को बोला गया ये वॉच ले जाएंगे और जो पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये सारी कहानी थी इस वॉच के रिगार्डिंग, और ये वॉच से मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। जी हाँ, कोई ना कोई नई इशू आ जा रही है, और ये जो फ्रिक्वेंटली डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम है ये इरिटेट कर दे रहा है एक्चुअली। जी हाँ, अगर आप मान लीजिए अपने फिटनेस को ट्रैक करना चाहते हैं, आपने मोबाइल ऐप्स में देखना चाहते हैं, तो आपको कस्टमली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मतलब आप क्या बोला जाए कि आप ईयरबड्स लिए हुए हैं और जब भी आप अपने ईयर में प्लग कर रहे हैं उसे, सपोज दैट कि बड्स की मैं बात कर रहा हूँ, और आपको कस्टमली हर बार ब्लूटूथ ऑन ऑफ करना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल ही बहुत ही ऑकवर्ड है। अगर आप एक वियरेबल डिवाइस लेते हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, और जी हाँ, मैं इस वॉच से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ और मुझे ये वॉच से नफरत सी हो गई है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम मैंने अभी तक किसी वॉच में नहीं देखा है जो इस वॉच में देखने को मिल रहा है। क्रॉसबीट्स एक अच्छी कंपनी है, जी हाँ, ऐसा नहीं है ख़राब कंपनी है, लेकिन पता नहीं क्यों इस वॉच में प्रॉब्लम आ रहा है। क्रॉसबीट्स के मैंने और भी वॉचेस का रिव्यू करा हुआ है, इस वॉच में प्रॉब्लम आ रहा है पर्टिकुलर वॉच में, ना कि क्रॉसबीट्स कंपनी ख़राब है। आप कंपनी को जज मत करिए, इस वॉच में मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है। तो अगर आप इस वॉच के लिए जाना चाहते हैं तो जी बिल्कुल मत खरीदिए इस वॉच को, ये डिज़र्व नहीं करता आपके 4000 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें थी मुझे कहना था, और जैसा कि मैंने आपको बताया 19 तारीख को जो है
अमेजोन से आएंगे, वो पिक करके ले जाएंगे और जैसा मैंने आपको बताया पैसे अकाउंट में आ जाएंगे 2-3 दिन के अंदर बोला गया है। तो ये सारी कहानी थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।